उपचार उपक्षणम माष्टम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। ओम विश्वानि देव सवित दुर्ृतानि परासुव यद भद्रतम तन्न आशुव। आज जो है रविवार का, रविवार का दिन है, आज सूर्यदेव की उपासना करता हूँ। आइए आज हम आपको सूर्य चालीसा का पाठ कराते हैं। सूर्यदेव जिसके कमजोर होते हैं उसको सूर्य में, सूर्यदेव को जल देना चाहिए जिससे कि उसकी उन्नति होती है। प्राय कई राशि के जातकों को उन्नति रुकी रहती है, देखना चाहिए कि सूर्य हमारे कमजोर हैं या मजबूत हैं, तो उस हिसाब से आपको जल देना चाहिए। सूर्य भगवान को जल देने में हल्दी चने का दाल और थोड़ा जरूरी उसमें डाल दें और सूर्य भगवान को जल दें। आइए सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। सत्य सनातन संस्कृति उस महत्वपूर्ण अध्याय में कौन लागू है। सूर्य चालीसा बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही स्वच्छ मन करना चाहिए। सूर्यदेव जी कृपा होने के उपरांत ही आपका कल्याण अत्यगन चंदन और रोई भिगा लेते हैं थोड़ा सा, वो अच्छा रहेगा, तो अच्छे से लगेगा। संत शरण पज कंज युग मही धरी शीश नवाय, सूरज चालीसा लिखो मोक हो सहाय। जयति जयति सूरज भगवान तब महिमा सुति वेद बखाना, सब सुखानी भगत तव स्वामी, प्रणतारति अंतर्यामी, अतिज्योति कला छवि भारी, तीन लोक से शोभाने हरी, योग सा जुजन पर वासा, अतुल तेज बल अतुल प्रकाशा, कुंडल ललित हार गलराज, शोभा निरखि मदन मन लाज, केतु पद्य अनुचक्र धारे, सकल जीव को तुम रखवारे, उदय गय त्रिपंत भागय, तज निद्रा सब जीव ही जागय, नित्य कर्म सब लोगन करही, निज निज धर्म कर्म अनुसरही, अनुसरही हो अनुसरण कर। कई वेद तब द्वादश नामा, अखिल लोक सब पूरन कामा, रवि आदित्य दिनेश दिवाकर, हरत सकल श्रम जीव चराचर, उच्च सब नाम है राजे, जेई के तन अतुलित कुति छाजे, वेगवान वाहन तब नाथा, भ्रमण करे अमित प्रभु के पासा, अमर ज्योति जीते ने कोई सिंधु मथे उत्पत्ति भय सोई, तब सुतगण महाबलवाना, समर जीते हुए गणित नाना, ते ही सम नहीं जग में को उदानी, जासु कुर्ति सब जगत बखानी, तस्य पुत्र गरुण को भाई अरुण नाम सार्थी कहाई, मैं भाई जब राहु ग्रास है त्रिभुवन में, तब समति भाषे ग्रहण पर्व पंडित, ग्रहण पर्व पंडित सब कही, मूर्च हेतु साधन नर करही, स्नान दान रूप अचारा करही, यत्न जही हो उद्धारा, एकर महिमा वेद पुराना, विविध भाति सब ग्रंथ बखाना, उदय अस्त लव उम्रो राजा, परस सदा भक्तन को काजा, जोड़न ध्यान तुम्हारे लावे, मन मानचित फल निश्चय पावे, धनी धनी महिमा तुम्हरो नाथा, नमत जीव सब धरि महिमा था, पढ़ाए सुने जो सूर्य चालीसा, वापो भूत सकल अंगीसा, अग मृग जीव जंतु नर नागा, मेघ धरत कुंशित वन बागा, वृक्ष लदा दिख तव दीना, जिमी लाई पाई सुखी हो मीना, कुष्ठग्रस्त रह जो नर होई, ध्यान धरे ताको होई, लवण रहित व्रत रवि को करही, वाको दुख पावक महाजरही, भूमि शयन प्रभु पद चितलावे, वर्षे की कही भांति बितावे, पाठ कर रित सूर्य पुराणा, करी पूजा धारो ध्याना,
पूरा करी ओम करावे दान देई जरूर प्रजिमावे हवन भस्म मर्दय सभांगा ताको दुख निश्चय हो भंगा मधुआ मिश्र भी दिवाकर पाना रोगी साथ जन्म परमाना जन्म जन्म महाधन दुख पावे रव नरक अंत में जावे रौरव नमक नरक होता है तो उसी का अंत में जावे तैल मास मधुनारी जो त्याग रही वाको दुख व्याधि सब भाग रही पाठ करे ग्रह पीड़ा नाशे मोक्ष ज्ञान बहुविधि इतिहास है पूजन बंध्या करे जो कोई पुत्रवती निश्चय सो हुई नेत्रहीन जो प्रभु चित लावही दिव्य दृष्टि निश्चय सो पावही विद्या धन बल जो नर चहै सो सब भाति सकल सुख लहै जो यह चरित सुर को गावे अंत समय सब धाम सिधावे श्रद्धा भक्ति धरी ही पाठ करे मन लाए सुख पति बहु भोग करी सो तब धाम सिधाए सूरज चलीसा रचे उम्रो है आधार भाद्र मास की पूर्णिमा करहु सदा दाता जैसो इसके उपरांत हम मंत्रों का याद करते हैं मंत्र जो कि वंदना हम करेंगे सत्य सनातन संस्कृति बराबर वीडियो को लाइक शेयर करते हैं और आत्मसात करें सीखें आप इस तरीके से सत्य सनातन मंत्रों को याद करें और भगवत भक्ति में डूब जाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं विस्मरे नित्यत्मायु कामार्थ सिद्धये वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततं मूलकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननम भूतगणादिसेवितं कपित्तिजम्बुफलचारुवच्चलं मुमासदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीप्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोध्यः शांति ही वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति ही सर्व शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम ब्रह्ममुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु कस्तूरी तिलकम् ललाट पटले बक्षम स्थले कौतुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं कर्तले वेणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि फुल्लेन्दीवर कांतिमिंदु वदनं बहार वसेत प्रियं श्रीवत्सांगं उदारकौस्तुं धरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनाम नैनोत्फलाचित्पुंगो गोपसंगावृतं गोविंदं कलवेणुवादन परं दिव्यांगभूषणं भजे हिमांद्रितल्यां देवावरां शंकरप्रियां लंबोदरस्य जननीं गौरीमाहवाप्यहं ओं अम्बे अंबिके अंबालिकेन मानयति कृशं ससत्ति सस्वकः सुभाद्रिकां कांपिल्यवासिनीं शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यं जगत व्यापिनीं
वीणा पुस्तक धारणिम वैपराम जाट्यंकाराम पहाम हस्ते स्फटिक मालिकाम विदधतिम पद्यासने संसिताम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धिप्रदाम शारदाम सरस्वती महाभागे विद्य कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यादेवी नमस्तुते। ओम नमो भगवतो वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय वासुदेवाय कृष्णदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री विष्णवे नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं गुरुगिरिध्यानगम्यं वंदे विष्णु वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वात्साधिके शरणन्त्रम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओं जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमा शिवादात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। कर्णागर्दिनार्तपरित्राणपरायणे स्वस्तार्ते हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायणो देवी दुर्गदेवी नमोस्तुते। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टे सदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हरसि भीमीशेर जयतो स्वास्थ्य स्मृता मदीमति वसुभां ददासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी कातु धन्या सर्वोपकार करणाय श्रद्धार्थ चित्तां देवी प्रसन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मार्तो जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नमामि शमीशान निर्माण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं निराकारमूलं तुरीयं गिराजानकोटीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुडागार संसार पारं नतोहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्नमौलिकलोलिनिचारुगङ्गालसद्बालबिन्दु कंठे भुजंगाचलत्कुंडलं ब्रूहिनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकंठं दयालं मृगाधीशचर्मांबरं मुन्नमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रबलं प्रवेशं अखंडं अजं भानुकोटिप्रकाशं यं शूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् मानाथ पादारविन्दुं भजन्ति लोके परेवा नारायणं तात्व सुखं शांति संत्यां नासं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा संबुद्धुभ्यं जरा जन्म दुःखद तात्यापमानं प्रभो पाहि आपन्नमीशं वशंभु।
टाट अभी गलत ज्वल प्रहार पावी स्थली गले ज्वलम बलम विदाम भुजंग तुंग मालिकांड मड्ड 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 डम विनाद वर्ग डर्गयम चकार चंड तांडवम धनोतुनम शिवम शिवम जटाकटा सब प्रमिंप लिंप निर्जरी विलोल बीज बल्लरी विराजमान मूर्धिनी तगत 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 जल लाट पट पाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रति क्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुग्ध दिक्त संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निबुद्ध दुर्धरापति क्वचित चित्तिगंबरे मनोविनो वस्तुनी जटा भुजंग पिंगल स्फुटा मणि प्रभा कदंब कुंकुम द्रवम प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मकान वेतु स्फुट गुड़ीय मे तुरे मनोविदोद तत्तमं विभुत भूम भर्तरी सहस्त्र लोचन प्रभृत शेष लेख शेखर प्रसन्न धूलि धोरणे विशुराद्रिपेट भूमिक भुजंग राजमाल्याम निदम जाटम जुटम श्रीवैशिराय जायतम चकोर बंधु शेखरम ललाट चतुर्लिप्त दत्त स्फूर्लिंग बबा निपित्त पंच सायकम नवक्तिलिंब नायकम सुधा मयूर लेखिया विराजमान शेखरम महाकपालिशं दे शिरो जटाल मस्तुं नह कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वललाट धगत 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 ज्वलत धनंजया धरीकृता प्रचंड पंच सायकम राधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नायक शिल्पनीत लोचनी रतिर नमः नवीन मेघ मंडली रुद्र स्फुर्द गुप्तता कहूर शान थीतम प्रबंध बंधु कंधर निलिंप निर्झरी धनु सुकृति सिंधुर कला निधि बंधुर श्रियं जगत परम धरम धरम प्रफुल्ल नील पंकजं प्रपंच कालिमं प्रभा विडंबडिंब कंडरं कंदरारुचिं प्रभं स्मरं छिंद पुरं छिंद भविंद छिंद मखत्त छिंद गडत छिंद दांद कच्च छिंद तमं कचिं भजे अखर्व सर्व मंगला कला कदंब मंजरी अस्प्रभाह माधुरी वृजफला मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांडकांतकं तमंतकांतकं भजे जयत्तु तप्र विभ्रम भ्रमत्र भुजंगकं स्मृतमद्रुतकाल भाल भव्य बाटकं दिमिद्दमिद्दविद्दतत्पनक्कमित्यदंगनं तुगं मंगलं ध्वनिक्रमं प्रतिप्रचण्डकाण्डवं शिवम् दृष्टि चित्र तल्य योग भुज जंग मोक्ति शक्ति स्रोत गरिष्ठ रत्न लोष्ठयम सहित पच्च पच्छयो तुणारविंद चच्छु सौ प्रजामही महिंदयो समत्र प्रवृत्तकं कथा सदा शिवं भजाव्यहम् पदानिलिंप निर्झरि निकुंज कोटरे वचन विमुक्त दुर्भिता सदा शिरस्थ मंजलिवहम् विलोल लोल लोचने लाल बाल लग्न का शिवेति मंत्र मुच्चरण सदा दुखी भयाव्याहम निलिम्बनाथ नागरी कदम्ब मौली मल्लिका निगुम्ब निर्झर क्षम दृष्ट मनोहरम तनोतुनु मनोमुदम विमोदिनी अहर्निशम परम श्रियम परम परम तदंत जात्विताश पाक्षिकम प्रचंड वाड वानल प्रभा शुभा प्रचारणी महायशक्ति कामिनी जा बहुत जल्पना विमुक्त वास लोचना विवाह कालिक ध्वनि शिवेन्द्री मंत्र भूषणा जगन्नयाय जायतम इदम हि नित्यमेव मुक्तमोत्तमं स्त्वं पठान स्मरण गुणिं वरो विधेद मेदि संतनम हरे गुणोस भक्ति मातु यादि नानकम विमोहनम हिम देहिनाम शुंग संग्रस चिंतनम पूजावसान समय दस वक्त्र गीतम यम शंभु पूजम विदम पढ़ती पदों से दस स्थिराम रथम गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव
सुमुखीं प्रददातिं उपरांत हम श्रीमद् भगवद गीता आपको बताएंगे। श्लोक हमने पढ़ा था, उस श्लोक की हमने शुरुआत की है। हम आपको श्लोक बताएंगे और उसके अर्थ बताएंगे। श्लोक हमने आपको बता दिया था और श्लोक नंबर 15 आपको पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयं पौंड्रं दंदमो महाशंकं भीमकर्ता वृकोदरं। जो हृदय के सर्वज्ञाता इन श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, पांचों ज्ञानेन्द्रियों को पंच तन्मात्राएं हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन सभी के रसे को समेट कर अपने भक्त की श्रेणी में ढालने की घोषणा की। विकराल रूप से बहती हुई इंद्रियों को समेट कर उन्हें अपने सेवक की श्रेणी में खड़ा कर देना हृदय से प्रेरक सद्गुरु दिया। श्री कृष्ण एक योगेश्वर सद्गुरु, शिष्य दे अहम भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। ब्रह्म विषय वस्तुओं को छोड़कर ध्यान में इष्ट के अतिरिक्त दूसरा न देखें, दूसरा न सुने, न दूसरे का स्पर्श करें। सद्गुरु के अनुभव संचार पर निर्भर करता। देवदत्तम धनंजयम, दैवी संपत्ति को अधीन करने वाला अनुराग की अर्जुन, इष्ट के अनुरूप लगाओ, उसमें विरह वैराग आश्रु पात्र। गदगद गिरा नयन बहनीरा, रामचरित का तीसरा श्लोक। रोमांच हो इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषय वस्तु का लेस मात्र टकराव न हो पाए, उसी को अनुराग करो। यदि ये सफल होता है तो परम देव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली दैवी संपत्ति आधिपत्य प्राप्त कर लेगा। इसी का दूसरा नाम धनंजय है। एक धन तो बाहरी संपत्ति जिसे शरीर निर्वाह की व्यवस्था होती है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं, इससे परे स्थिर आत्मिक संपत्ति ही निजी संपत्ति। वृदारण्य को उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी यही समझाया कि धन से संपन्न पृथ्वी के स्वामित्व से भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका उपाय आत्मिक संपत्ति। इसके आत्मिक संपत्ति देनी चाहिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रगट तो ही मैं जाना। कौन 16वां श्लोक पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता का। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठरम नकुलम सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम शंख बजाया। कर्तव्य रूपी कुंती, धर्म रूपी युधिष्ठिर, धर्म पर स्थिरता रहेगी तो अनंत विजय, अनंत परमात्मा में स्थिति। युद्धे स्थिर स युधिष्ठिर, प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र के संघर्ष में स्थिर, महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो एक दिन जो अनंत है, जिसका अंत नहीं है, वह है परम तत्व परमात्मा, उस पर विजय दिला दे। नियम रूपी नकुल ने सुघोष नामक संघ बजाया। जो जो नियम उन्नत होगा, सुख का शमन होता जाएगा, शुभ घोषित होता जाएगा। सत्संग रूपी सादेव मणिपुष्पक नामक संघ बजाया। मनीषियों ने प्रत्येक श्वास को बहुमूल्य मणि की संख्या दी। तेरी हीरा जैसी श्वास बातों में बीती जाए। एक सत्संग तो वह है जो आप सत्पुरुषों की बाड़ी सुनते हैं, किंतु यथार्थ सत्संग आंतरिक। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा ही सत्य है, सनातन है। चित्त सबोर से सिमट कर आत्मा की संगत करने लगी, यही वास्तविक सत्संग है। सत्संग चिंतन ध्यान समाधि के अभ्यास से संबंध है। जो जो सत्य के सानिध्य में सुरत टिकती जाएगी, तो एक एक विश्वास पर नियंत्रण मिलता जाएगा। मन सहित इंद्रियों का निरोध होता जाएगा। जिस दिन सर्वार्थ निरोध होगा, वस्तु प्राप्त हो जाएगी। वाद्य यंत्रों की तरह चित्त का आत्मा के स्वर में स्वर मिलाकर संगीत करना सत्संग। ब्रह्म मणि कठोर है, श्वास मणि पुष्प से भी पूर्ण है। पुष्प तो विकसित होने टूटने पर कुंडलाता है, इन आप अपने श्वास तक जीवित रहने की गारंटी नहीं दे सकते। सत्संग सफल होने पर प्रत्येक श्वास पर नियंत्रण दिलाकर परम लक्ष्य प्राप्ति करा देगा। इसके आगे पांडव की घोषणा नहीं है, लेकिन प्रत्येक साधन कुछ न कुछ निर्मलता के पथ में दूरी तय करता है।
काश्यश्च परिमस्वागम शिखंडी च महारथम दृष्टद्रुम्नो विराटश्च सात्यकीश्चा पराजितम। काया रूपी काशी, पुरुष जब सब उसे मन सहित इंद्रियों को समेट कर काया में ही केंद्रित करता है, परम परमेध वास परम ईश में वास करता है, परम ईश में वास दिलाने सक्षम काया ही काशी, काया में ही परम ईश का निवास है। कि परम ईश में वास दिलाने में सक्षम काया है वही काशी, इसलिए काशी खंड को महत्व। परमेश्वास का अर्थ धनुष वाला नहीं बल्कि परम ईश का वास है। शिखा सूत्र का त्याग इस शिखंडी है, सिर के बाल कटा लेते हैं, सूत्र के नाम पर गले के जनेऊ हटा लेते हैं, अग्नि जलाना छोड़ देते हैं, हो गया संन्यास। वस्तुतः शिखा लक्ष्य का प्रतीक है, आपको पाना है और सूत्र है संस्कारों का। जब तक आगे परमात्मा को पाना शेष है, पीछे संस्कारों का सूत्रपात लगाओ। जब तक त्याग कैसा, संन्यास कैसा, अभी तो चलने वाली पति, जब प्राप्त प्राप्त हो जाए, पीछे लगे हुए संस्कारों की दूर कट जाए, तो ऐसी अवस्था में भ्रम सर्वथा शांत हो जाता है। इसलिए शिखंडी ही भ्रम रूपी भीष्म का विनाश करता है। शिखंडी चिंतन पथ की विशिष्ट योग्यता है, महारथी वर्णन दे। दृष्ट ध्रुमरथ दृढ़ और अचल मन, विराट सर्वत्र विराट ईश्वर, प्रसार देखने की क्षमता, दैवी संपत्ति के प्रमुख, सात्विकता ही सत्य, सत्य के चिंतन की प्रवृत्ति, सात्विकता यदि बनी है तो कभी गिरावट नहीं आएगी, इस संघर्ष में पराजित नहीं होगी। द्रुपदो द्रुपते आश्च सर्वस पृथ्वी विपते सौभद्रश्च महाबाहुं शंगान दुमं, पृथक पृथक अचल पददायक द्रुपद और ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र सहृदयता बात्सल्य लावण्य सौम्यता स्थिरता इत्यादि साधन में महान सहायक महारथी और बड़ी भुजा वाला अभिमन्यु, इन सब ने पृथक पृथक संग बजाए। भुजाकार क्षेत्र का प्रतीक है, जब मन में मन भय से रहित हो जाता है तो उसकी पहुँच दूर तक हो जाती है। हे राजन, इन सब ने अलग अलग संघ बजाए, कुछ न कुछ दूरी सभी तय कराते हैं, इनका पालन आवश्यक है, इसलिए इनके नाम गिना है। इसके अतिरिक्त कुछ दूरी ऐसी भी है, मन बुद्धि से परे है, भगवान स्वयं ही अंतकरण में विराज कर तय कराते हैं। इधर दृष्टि बनकर आत्मा से खड़े हो जाते हैं और सामने स्वयं खड़े होकर अपना परिचय करा लेते हैं। हमने 18 श्लोकों का पाठ कर लिया, 1900 श्लोकों का आपको बताएंगे। अब हम मस्तक चंदन घिसने जा रहे हैं, मस्तक कर रहे हैं। देखिए जैसा कि हमने बताया था कि हम पाठ करते हैं सुंदरकांड का, जब हम कुछ न कुछ मंत्रों का जाप करते रहेंगे, कुछ न कुछ चलता रहेगा मंत्र, यही है श्रद्धा, यही है सत्य सनातन। हम आपको सुंदर काम जो हमारे बचे हुए बूढ़े थे उनको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हमने पढ़ लिया था, प्रयास करेंगे हमें सुंदर काम को पढ़ने का। यहाँ तक हमने निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समी बेगी चले प्रभु आन्य भुज बल खल दर्जी सुनि प्रभु वचन बिलो की गात हर्षि हनुमन चरण परे ऊ प्रेमा कु त्राही त्राही भगवन ताकौ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुमन कूप तौ प्रभाव बलवान लही जारि सकई खलु तू कपिपति बेगी बुलाए आए जुथप जू नाना वरन अतुल बल बानर भालु बरु चिक्कर ही दिग्गज डोल मही गिरी लोल सागर खड़ भरे मन हरस संगंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख डरे कट कट ही मरकट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावही जय राम प्रबल प्रताप कोशक नाथ गुण गंगाई
सहिषक न बार उदार अहिपति बार बार अहि मोहि दशन पुनि पुनि कर्मठ पृष्ठ कठोर सो किमि सो वही रघुवीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति जाने परम सुहावनी जनु कमठ कर पर सर्प राज सो निखदा विचल पावनी हे विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर ती जाता लागे खान फल भालू विपुल कपिली भालू के समान पड़ेगा हनुमान का वर्णन किया जा रहा है इधर सुंदर कांड का वर्णन कर रहा है उसी के वर्णन दोहे में स्वर्ग साथ है राम बाण अयगन सरिस निगर निसाचर हे जब लगी कर सतर तब लगी जानहु करहु तरीते सचिव वैद्य गुरु तानि जौ प्री बोली भय आस राज धर्म तन कीन कर होई वेग ही नास राम कोद सब लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परि हरि रघुबीर ही भजहु भजहि जहि संत बार बार पद लागौ विनय करौ दस शीश परि हरि मान मोह मद भजौ कोशलाधीश मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात तुलसी सो मैं प्रभु सन कही पाई शुभ अवसर तात तात चरण गई मांगहु राखहु मोर दुलार सीता देहु राम कहु आयत न हो ही तुम्हार राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तूरी मैं रघुवीर शरण अब जाओ देहु जानी कोरी जिन पायन के पार उतन ही भरत रहे मन लाई ते पद आयु गिरो कही इन नयन ही अब जाई शरणागत कहु ते तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप मैं तीन नहीं विरोकत हान उभय भाति तो ही आन हूँ हसी कह कृपान के जय कृपाल कही कभी चले अंगद हनु समेत श्रवण सुजस सुनि आयु प्रभु भंजन भव भी त्राही त्राही आरती हरण शरण सुखद रघुवीर रघुवीर मतलब श्री राम जब लगी कुशल न जीव कहु सपने मन विश्राम जब लगी भजन न राम कहु शोक धाम तजि काम हो भाग्य मन अमित अति राम कृपा सुख पुन देखौ नयन विरंचि शिव से पिजुगर पद कंज सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ने ते नर प्राण समान मम जिन्न के द्विज पद प्रेम रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर पचौ जात विभीषण राखेउ दीन्ने उराज अखंड जो संपत्ति शिव रावणी दीन दिए दसमात कोई संपदा भीष नहीं सकुचि दीन रघुनाथ प्रभु तुम्हार कल गुरु जल थी कहे उपाय विचार बिनु प्रयास सागर कर ही सकल भालु कपि धाय सकल चरित तिन देख धरे कपट कपी दे प्रभु ने हृदय सराहि शरणागत परनी कहु मुखागर मूल सन मम संदेश उदार सीता देह मिलहु न तव आवा काल तुम्हार की गई भेंट के फिर गए श्रवण सुजन सुनमो कहन नदी कुदल तेज बल बहुत चकित चित चोर दिविज मयंत नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहरि निसट सट जामवंत बल राशि सहज सूर कपि भालु सब भूमि सिर पर प्रभु नाम रावण काल कोटि कहु जीति सकहि संग्राम बातन मन ही रिझाइ सक जनि घलसि कुल खीस राम विरोध नउ वरसि शरण विष्णु आजीश गीताजी मन अनुज इव प्रभु पद पंकज भृंग होइ गिराम शरानल खल कुल सहित पतंग विनय न मानत जल्दी जड़ गए तीन दिन गीत बोले राम सकूत तव भय उन होइ न प्रीत काटहि पई कदरी परई कोटि जतन कोई सी
बिना नमान खगेश सुन डाट ही पड़ नवनीच सुनत विनति बन आएगा कृपाल मुसुकाई जय विधि उतर उत्कपि काट कुताद सुपाई ना धनी नल कपिदो भाई ललिकाई ऋषि आदि चपाई तीन के परत किए गिरि बारे तरि तई जाल दीप ताप तुम्हारे माय कुनि उर धरि ध्यान प्रभु प्रभु दाई करे उबल अनुमान सहाई हे गिरिनाथ पयूरी बधाई जे ही यसुके सुलोक क्यूगाई हे सरम उत्तर तटवासी हाउ नाथ खर नर अग्रासी इन कृपाल सागर मन पीरा तुरतई हरि राम धंधीरा देखि राम बल पौरुष भारी हर्षि भयो निधि भय सुखारी सकल चरित कही प्रभु विष्णावाचरण वेदि पर दूरी सबो दिशि धावा निज भवन गानयु सिंधु श्री रघुपति अहमत भायउ य चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायउ सुन भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुंगना तरी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संकट संतत सठमना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान मंदम कृष्ण निवस्तु पश्चिम मुखम सौराष्ट्रम काच्यपम स्वामी नक्रकुंभम मयूर चित्रौ मित्रय समस्त चांडीराम स्थान पश्चिम दिगम प्रजापति यमो देवो धनुष्यासनम सच त्रिश सुख कृक्षणी रवि सुतम कुर्यास्तदा मंगलम दर्प अगणित अमित छवि नील नीर सुंदर पटपीत मानव गणित रुचि सुचि नौम जनक सुतावर बलिदीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन मुकुट कुंदन तिलक चारु उदारु अंग विभूषण आजान भुज सर चाप कर संग्राम जित कर दूषण तिवदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजन मम हृदय कन्य निवास कुल कामादि कर दल गंजनम मनुराहि राचि मुनि लहि सोवर काज सुंदर आवलु कनुनानि नान सुजान शील सनेह जानत सावरु हे भाति गौरि अशीष सुनिषि हर्षीयरि तुलसी भवानी पूजि पुनि मन मंदिर जय शिव हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगा हर हर महादेव शिव शंभु काशी विश्वनाथ गंगा हर हर महादेव शंभु ओम श्री केशवाय नमः 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 मस्तक पर तीन जवाब करें इस मंत्र का जाप करें ओम श्री केशवाय नमः कौन सा वन ओम श्री केशवाय ओम श्री केशवाय और ये जो आप शुद्ध लकड़ी का चंदन लगाएंगे चंदन की लकड़ी का ये जो है आपको मस्तिष्क
और आपकी बुद्धि को प्रखर करेगा। प्रखरता ऐसी होगी कि आप हर क्षेत्र में उन्नति करें। इसलिए शुभ चंदन की लकड़ी है, ये देखिए अष्टधातु अष्टगंध चंदन है, सुगंधित पीत वर्ण का चंदन है, इसको भी लगाने के माता मय जय लक्ष्मी माता तुमको निशति निशीवत हर विष्णु भ्राता उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जगमाता सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि आता दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको ध्यावत वृद्धि सिद्धि पाता तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता जिस घर तुम रहती तह सब सदगुण त्राता सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता तुम ही यज्ञ न होते वस्त्र न पाता खान पान धन वैभव सब तुमसे आता शुभ गुण मंदिर सुंदर चीरोदय जाता रत्न चतुर्दुग तुम बिन कोई नहीं पाता आरती लक्ष्मी जी की जो कोई न लगाता उदानंद समाप्त कर जाता ओम जय लक्ष्मी माता माया जय लक्ष्मी माता तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु हर महादेव
संगठन का यह महत्वपूर्ण अध्याय आपको कैसा लगा बताइए। काफ़ी लंबा हमने सत्य सनातन संस्कृति का यह पाठ आपको बताया, अब हम आपको बताएंगे कि आप नियमित पाठ करें, पूजा करें, दर्शन और अर्चन बहुत बहुत सभी भक्त कॉमब्लॉग यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें, सत्य सनातन संस्कृति ब्लॉग को लाइक करें और शेयर करें और सभी लोगों तक बताएं। हिंदू संत सत्य सनातन संस्कृति के बढ़ाने के लिए आप सभी मनोकामना करें। आज श्री सूर्यदेव का उपासना करें, आपका सूर्यदेव मजबूत होगा तो उन्नति मिलेगी। जय श्री राम, जय गंगा, हर हर महादेव।